Welcome back. Hello to everyone. Welcome back to my YouTube channel VIP Indian Blogs. I request to everyone, please subscribe to VIP Indian Blogs channel and press the bell icon to be first to watch latest and new vlogs video. Let's see now. Hello guys. Welcome to everyone. ये ई वीज़ा है, मलेशिया का ई वीज़ा है जो मेरे पास आया वेरीफाई करने के लिए, और मैं इसको ऑनलाइन वेरीफाई करूँगा। और किस तरह किया जाता है आप देख सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा जो है ये मलेशिया का है। ये जो बंदा जा रहा है ये प्लांटेशन वर्कर, जनरल वर्कर में जा रहा है, तो इसका ई वीज़ा वेरीफाई कर रहा हूँ ऑनलाइन वेबसाइट से। अभी आपको रिसर्च करके दिखाता हूँ कि ये एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है तो 3 मंथ का, बट उधर जाने के बाद ये एक्सचेंज हो जाता है, देन इसका जो वैलिडिटी है वो 3 महीने की रहती है। आप ये देख सकते हैं, अभी मैं वेबसाइट ओपन करने वाला हूँ। वेबसाइट का नाम है malaysiavisa.imi.government/myvisa। अब जैसे रिसर्च करते हैं, रिसर्च करने के बाद आप यहाँ पर ही आप डैशबोर्ड पर भी जा सकते हैं। अगर डैशबोर्ड पर जाके कर सकते हो, डैशबॉक्स पर भी जाके आप कर सकते हो, नहीं तो मैं तो डायरेक्ट नॉर्मली कर रहा हूँ। ये जहाँ लिखा हुआ है चेक ई वीज़ा, आपको वहाँ क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पासपोर्ट नंबर मेंशन करना होता है। जिस बंदे का ये वीज़ा आया है उसका पासपोर्ट नंबर मेंशन करना पड़ता है। मेंशन करने के बाद जब आप मेंशन कर देते हो तो एक एम्प्लॉयमेंट जो हमें मिला होता है उसमें एक क्या कहते हैं वीज़ा नंबर होता है, जो आपको दिखा रहा हूँ वीज़ा नंबर कहाँ पर है, यहाँ पर ही होता है साइड में, आपके राइट साइड में होता है जो मेंशन होता है। ये वीज़ा नंबर आपको मेंशन करना है। अब वीज़ा नंबर जैसे आप मेंशन करते हैं, मेंशन करने के बाद आपको कैप्चर मेंशन करना होता है। कैप्चर में क्या है नहीं है वो कैप्चर आपको सही से मेंशन करना है। कैप्चर मेंशन के बाद तो आप ये जो ब्लैंक स्पेस है उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं जिसका वीज़ा जेन्युइन होगा, जो वीज़ा जेन्युइन होगा वो यहाँ पर ही वैलिडिटी दिखाएगा। आप देख सकते हैं रेफरेंस नंबर शो कर रहा है, पासपोर्ट नंबर शो कर रहा है, और इसका वैलिडिटी है क्योंकि इसका एक्सपायर टाइम अक्टूबर में है, तो इसका टाइमिंग अभी बचा हुआ है, अप्रूव्ड है। अगर इसमें अप्रूव्ड लिखा नहीं आता या कैंसिल लिखा आता या इनवैलिड होता तो फिर वो वीज़ा मतलब जा चुका है और एक्सपायर हो चुका है। जो वीज़ा जेन्युइन नहीं होगा यहाँ ये डिटेल्स मेंशन नहीं करेगा। तो ये होता है एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, या जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक कुछ इंफॉर्मेशन है जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, और इस तरह का एक इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा आता है मलेशिया के लिए। और कभी भी आता है तो 3 मंथ का ही होता है। जब आप मलेशिया में चले जाते हैं फिर वहाँ एक्सचेंज हो जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये आप देख सकते हैं ये चन्ने से बिलोंग करता है। अब देन एक दूसरा वीज़ा आया था वो भी वेरीफाई करने के लिए, सेम बंदा है बट ये उसका रिलेशन में एक फ्रेंड का वीज़ा था, उसने भी बोला था ये ऑनलाइन आप चेक कर लीजिए ये जेन्युइन है या फेक है। तो मैंने फिर वही वेबसाइट पे गया malaysia.com जो भी है, फिर उसके बाद मैं वीज़ा जाने के बाद इसका पासपोर्ट नंबर मेंशन करो। पासपोर्ट जब मेंशन कर देते हैं, मेंशन करने के बाद उसका ई वीज़ा में नंबर मेंशन करना होता है। अभी देख सकते हैं मैं इसका पासपोर्ट नंबर मेंशन कर रहा हूँ। पासपोर्ट मेंशन करने के बाद फिर उसके बाद ई वीज़ा जो नंबर है, वीज़ा नंबर उसको मेंशन करना है। उसको मेंशन करने के बाद फिर कैप्चर मेंशन करूँगा। आप वॉच करते रहिए और ये वीडियो प्लीज़ स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिए। और आप आपको प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ, जो भी है आपके सामने कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं अब मैं यहाँ पर ये वीज़ा नंबर मेंशन कर रहा हूँ। वीज़ा नंबर मेंशन करने के बाद उसके बाद मैं एक बार रीचेक करता हूँ, क्योंकि मैंने शायद मुझे लग रहा है मैं पासपोर्ट नंबर जो होता है ना वो गलत डाल दिया है। इसमें एक पासपोर्ट नंबर और मेंशन करना था, नंबर एक छूट गया आई थिंक। फिर भी मैं देख रहा हूँ चेक करके आता है कि नहीं आता है, क्या लिखा हुआ आता है। तो मैंने एक में नंबर पासपोर्ट मैंने गलत नंबर लिख दिया। आप देख सकते हैं लिखा हुआ आ रहा है ई वीज़ा इज नॉट वैलिड, जो भी हो मेंशन लिखा हुआ है आर नॉट वैलिड। तो यहाँ पर मैं 7 मेंशन कर रहा हूँ, और उसके बाद आप देख सकते हैं आप कैप्चर मेंशन करने के बाद डायरेक्ट जब हम चेक करते हैं उसके बाद फिर ये डिटेल आ जाता है। आप देख सकते हैं मेंशन हो गया है।
आप देख सकते हैं रेफरेंस नंबर है, पासपोर्ट नंबर है, एप्लीकेशन स्टेटस है, वैलिड है, इसका 7 नवंबर तक है और ये वैलिड है, तो ये जेन्युइन वीज़ा है। इसी तरह एम्प्लॉयमेंट वीज़ा चेक किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग टू माई वीडियो। मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि कृपया VIP इंडियन ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करें और नए ब्लॉग्स वीडियो देखने के लिए सबसे पहले बेल आइकन को दबाएं। लाइक्स, कमेंट्स, शेयर। थैंक यू सो मच टू एवरीवन।